सर्कम सेंटर हम जब फाइंड आउट करेंगे, ये देखें सर्कम सेंटर ये आ गया जी। अब तीन पॉइंट्स हैं, उसी तरह हमारे पास ए बी सी, उसमें पॉइंट्स हमारे पास और है। ए बी सी पॉइंट है, उनके मिड पॉइंट्स आपने फाइंड आउट कर लिए, मतलब वो सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर बेसिकली ये होता है हमारे पास ऐसी लाइन जो मतलब इधर आपके जो होते नहीं है ये वाली साइड्स, उनको मिड पॉइंट पे उनको कट करें, मतलब उन पर परपेंडिकुलर बनाए। सर्कम जो सेंटर होते हैं ना हमारे पास, मतलब ये तीनों की तीनों एक लाइन पे मिलती हैं। अब वो इधर से भी जो कट करेगी ना हमारे पास लाइन, इधर से जो हमारे पास थर्ड लाइन भी आएगी अगर अगर हम बनाते हैं इसमें भी, तो वो भी इधर से कट करके इन तीनों का एक सेंटर पे बनना था हमारे पास, इसको बोलते हैं हम सर्कम सेंटर। तो तीनों पर पेंडिकुलर बनाती हैं उस पे, उसके मिड पॉइंट से कट करती हैं। तो इसमें हमारे पास अब उसी तरह तीन पॉइंट्स होंगे, उसमें मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है दोनों का। अब जो मिड पॉइंट्स होंगे, ये मिड पॉइंट्स आ गए दोनों के, और इन दोनों का हमने मतलब ए से बी पे आ रहा है हमारे पास ये वाला मिड पॉइंट परपेंडिकुलर। तो इधर से हमारे पास हमने इसका जो स्लोप निकालनी ना, ए से बी दो पॉइंट्स तो हमारे पास गिवन है, ए से बी की जो स्लोप निकालनी है, ये देखें ए से बी की स्लोप निकाली, बी से सी की स्लोप निकाली, उनपे परपेंडिकुलर कौन कौन से थे पॉइंट, ये वाले ई वाला और डी वाला। तो उनकी परपेंडिकुलर की हमने वो स्लोप निकाली, उनका रेसिप्रोकल वो वाला कर लिया, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो ये फाइंड आउट करने के बाद हमने इसकी इक्वेशन बनानी है, ये देखें। वो पॉइंट डी और जो स्लोप थी उसमें गुजर रही, तो उधर से इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई। इसी तरह दूसरी इक्वेशन, फिर इन दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। वो सॉल्व करने के बाद हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। अब वो जो पॉइंट्स आए ना 25 और ये वाले 26, 25 और 6, 31 ये वाले, और जो हमने मिड पॉइंट्स हमने पहले फाइंड आउट किए हुए थे, तो वो वाले मिड पॉइंट और तीसरा ये वाला मिड पॉइंट, इस पॉइंट से हमने उनका ये, क्योंकि हमने ये भी चेक करना है कोलिनियर एक पॉइंट पे क्या एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं, गुजर रहे हैं कि नहीं गुजर रहे, उनका सेंटर एक ही है। तो उनको चेक करने के लिए हमने ये तीनों पॉइंट्स उधर रख लिए, तीनों पॉइंट्स को हमने सॉल्व किया, तो उनका आंसर अगर तो 0 के बराबर ना आता तो इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं आ रहे। तो अगर तो तीनों के तीनों हमारे पास एक लाइन पे आते हैं, तो आपको पता है उनका ये जो होता है डिटर्मिनेंट ये वाला, तो ये किसके बराबर हो जाता है, ये कोलिनियर के लिए होता है। थोड़ा सा ये लेंथी है क्वेश्चन, ये सारे क्या कर रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। अच्छा जी, 4.2 में जो हमारे पास है होमोजीनियस इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। होमोजीनियस का मतलब आपको पता है, उसमें मिक्सचर होता है, हमारे पास एक्स और वाई आता है सेकंड डिग्री। अब पहले हम पढ़ रहे थे सिंपल सिंगल डिग्री वाली, मतलब लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे। अब हमारे पास उसमें थी, हमारे पास आपको बताया था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वो थी सिंगल में। तो इसमें हमारे पास आ रहा है डबल में, तो इसमें हमारे पास उसकी पावर क्या आ रही है, ये देखें पहले की पावर 2, इन दोनों को मिला के इनकी पावर भी क्या बन जाती है 2, और इधर से हमारे पास इसकी पावर भी 2।
ये जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था, हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड आउट करने का, अब उसी एंगल को हमने यूज करना है, यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करके ये जो क्वेश्चन है, ये एम वन एम टू, ये हमारे पास वन ओवर बी, और ये हमारे पास, ये उसने उसी तरह सॉल्व किया उसको, जैसे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना सॉल्व करते फार्मूला लगा के, वो उसी तरह सॉल्व कर रहा है इसको। अब ये देखें, ये वाली वैल्यूज हमने पुट करनी है, पुट करने के बाद ये वाला जो फॉर्म, ये वाली फॉर्म थी एंगल बिटवीन टू लाइन, हमने क्या किया, अब ये दरअसल बेसिकली हमने फार्मूला बनाना है इस क्वेश्चन का। ये हमने पढ़ा था टू लाइंस के दरमियान, वो लाइन आपको पता है स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है ना। तो अब इसमें हमारे पास बेसिकली आती है कर्व्स लाइन, क्योंकि इसकी इक्वेशन भी हमने हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई, इसमें एच और वाई ये वाला भी कॉन्सेप्ट इसमें भी आएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट देखने के लिए ये देखते हैं, ये देखें इधर ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। आपको पता है कि जब हम बनाते हैं वो वाली इक्वेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो अब इसमें आप कोई भी एक फंक्शन ले लेते हो जिसके रिस्पेक्ट, मतलब अगर आपके पास ये वाली इक्वेशन होती है, जनरल फॉर्म होती है बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको पता है कंप्लीटिंग स्क्वायर जब आप लगाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए पे डिवाइड करते हैं, ए पे थ्रू आउट डिवाइड करते हैं। अब ये थी सिंगल वेरिएबल में, अब ये हमारे पास आ रही है डबल वेरिएबल में, तो इधर उसने किस पे डिवाइड कर दिया, बी पे, मतलब इधर भी वाई स्क्वेयर है, वाई स्क्वेयर के रिस्पेक्ट भी आप आंसर निकाल सकते हो वाई के, नॉर्मली हम वाई के ही आंसर निकालते हैं, तो इसमें हम थ्रू आउट ए से डिवाइड करते हैं। अब इसमें थ्रू आउट हमने किससे डिवाइड करना है, ये बी से, जब थ्रू आउट बी से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया वन ओवर बी एक्स स्क्वेयर माइनस, अब इनको दोनों को हमने क्या कर लिया, इनके साइन चेंज कर लिए, साइन चेंज हो गए, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर कंपेयरिंग इट विद वन। अब ये जो है वन, अब ये देखें, ये वाली जो हमारे पास थी वाई इक्वल टू एम एक्स वन वाई इक्वल टू एम एक्स टू, यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर बने थे, दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर जीरो। तो उधर से एक्स वाई टर्म्स एक तरफ, वाई वाली टर्म्स एक तरफ, और सिंपल टर्म्स एक तरफ। अब इस इक्वेशन के साथ हमने कंपेयर किया, एक्स स्क्वेयर के साथ इधर क्या आ रहा है ए ओवर बी, और इधर क्या आ रहा है एम वन एम टू, तो एम वन एम टू की जगह क्या आ गया ए ओवर बी, इधर दरमियान में माइनस, वो इसलिए इसको प्लस को माइनस किया था हमने, माइनस माइनस। अब ये माइनस फार्मूले वाला, अब ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ रही है एम वन प्लस एम टू की, ये आ गई एम वन प्लस एम टू की वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू जस्ट हमने उस फार्मूला में पुट कर देनी है जो हमारे पास फार्मूला था ना एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये वाली एंगल बिटवीन टू लाइंस, उसको सॉल्व करने के बाद एट द एंड हमारे पास फार्मूला ये वाला बन जाता है जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करना है। सभी में मतलब उसी तरह ही करना है, यही स्टेप जो अभी हमने प्रीवियस में किया है ना, कि वाई के साथ जो कोफिशियंट आ रहे हैं उस पे हमने थ्रू जो सबको डिवाइड कर देना है, तो उधर से हमने आंसर फिर इस तरह तरीके से निकालना है। अब इधर एच हमारे पास बेसिकली एच किसकी वैल्यू होती है जो एक्स वाई के साथ आती है, ये वाली सारी वैल्यू आपको दिखाते हैं अभी ना क्वेश्चन में जब आएगा। ये अब फार्मूला हमने यूज करना है, प्रीवियस में हमारे पास ये था फार्मूला, वो था लाइंस के लिए, अब ये हमारे पास कर्व्स के लिए, क्योंकि कर्व आपको पता है कि जब भी सेकंड ऑर्डर हमारे पास क्वेश्चन होगी तो उसकी सीधी लाइन नहीं बनेगी, जैसे वो आपके पास है वाई स्क्वेयर इक्वल टू फोर ए एक्स पैराबोला की, तो वो आप बनाते हैं ना, मतलब ये वाली शेप या ये वाली शेप, उसमें ये वाली शेप बनाते हैं वो, उसमें हमेशा कर्व ही बनेगी।
और सिंपल लीनियर जो हमारे पास, उसमें हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। अली इसका कौन कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर टू करना है। अच्छा ये देखो, पहले इधर से देखने में क्वेश्चन नंबर टू भी आपको करवा देता हूँ। ये देखें, टेन एक्स स्क्वायर, ये जैसे वो लिखी थी ना हमने, ए एक्स स्क्वायर माइनस टू एच एक्स वाई माइनस सॉरी प्लस बी वाई स्क्वायर, ये वो वाली इक्वेशन है। अब उधर से हमारे पास इसके फैक्टर बनाने लगे, 10 को 5 से जरूर दी, 50, 25 दो बार 50 फैक्टर बन गए। जैसे वो उसने ऊपर हमारे पास लिखा था y इक्वल टू एम वन एक्स एंड y इक्वल टू एम टू एक्स, तो इधर से हमारे पास दो फैक्टर बन जाएंगे, दो फैक्टर बन गए, ये दो फैक्टर बना लिए हमने, रिक्वायर्ड लाइन है ना। अब बेसिकली तो ये हम दो लाइनों को मिला के ये बनाए ना, ये जो चीज बनाते हैं हम, ये वाली लाइनें बनाते हैं हम, लाइनें बनाते हैं ना। तो अब ये देखें हमने क्या किया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, लीनियर में। दो क्वेश्चंस बन गई, वो कौन सी लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होगी ना हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास अब किस में आ गई है, ये आ गई हमारे पास लीनियर में, और लीनियर की आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो ये बन गया हमारे पास। तो फिर अब इनके दरमियान में हमने एंगल्स फाइंड आउट करना है, वो जो अभी एंगल का फार्मूला हमने डिस्कस किया है, तो वो एंगल का फार्मूला डिस्कस करने के लिए ये देखें, ये फार्मूला होता है हमारे पास जनरल, इसकी फॉर्म होती है, उसमें से ए की वैल्यू क्या आ रही है 10, बी की वैल्यू क्या आ रही है सॉरी 2h की, ये 2h की जगह आता है -23, और बी की वैल्यू उसमें क्या आ रही है -5, ये आ गई। इधर से h की वैल्यू -23 ओवर 2 हो गई। अब ये फार्मूला था हमारे पास टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा इक्वल टू टू एच स्क्वेयर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी, एच की वैल्यू पुट करो, ए की पुट करो, बी की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा दूसरी तरफ से टेन दूसरी तरफ आके हमारे पास टेन इनवर्स बन जाएगा, तो उधर से हमारे पास रिक्वायर्ड इसका एंगल आ जाएगा। अब ये देखिए अली, ये लिखवाना मुझे दूसरा सवाल जो है, 3x² प्लस प्लस 7xy 7xy प्लस 2y² प्लस 2y² इक्वल टू 0। अब ये देखो, 3 2 बार 6, इसके हम बना सकते हैं सीधे सीधे पेयर्स, इधर से बन जाएंगे हमारे पास क्या बनेंगे, इधर से बन जाएंगे हमारे पास 6xy प्लस xy, दोनों को ऐड करेंगे 7, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट बन जाएगा, दो लीनियर इक्वेशन इधर से हमारे पास आ जाएंगे। तो इधर से हमारे पास दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो इधर से बन गया हमारे पास x प्लस 2y, और इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है y, तो इधर भी रह जाएगा हमारे पास x प्लस 2y, तो इधर से हमारे पास इक्वेशन बन गई x प्लस 2y, लीनियर इक्वेशन जो बनेगी एक इक्वल टू जीरो, इधर से बन जाएगी 3x प्लस y इक्वल टू 0, ये आ गई हमारे पास लीनियर, दो रिक्वायर्ड लीनियर जो इक्वेशन है हमारे पास। आप इनका ग्राफ भी बना सकते हैं, वो कोई भी अपने फर्जी वैल्यू जो पुट करके आप बनाते हैं, एक दफा 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ जाएगी, 0 y की जगह पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो वो दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे उस तरह। तो अब इधर से हमारे पास इसको हमने कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2xxy प्लस बी वाई स्क्वायर। अब देखें ए की जगह उधर क्या आ रहा है 3, ए की जगह आ गया 3, बी की जगह उधर क्या आ रहा है 2h की जगह उधर क्या आ रहा है हमारे पास 7, तो इक्वल टू 7। अब ये तीन वैल्यू आ गई हमारे पास, ए की बी की, फार्मूला है हमारे पास टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट
इधर लिख लेते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। इसमें ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे, ये वाली वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास टैन दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स, तो उधर से हमारे पास रिक्वायर्ड इनके दरमियान में एंगल आ जाएगा। मतलब आपका इसमें फर्स्ट ईयर का जो है ना पहली एक्सरसाइज, पहले सिंपल को आपने करनी है उसकी क्या कहते हैं उसको, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने के बाद एक फार्मूला आपने याद कर लिया है, टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी ए बी ओवर ए बी ए प्लस बी। नेक्स्ट अली कौन सा इसका क्वेश्चन नंबर फोर है, क्वेश्चन नंबर फोर, दो पांच बार दस माइनस दस बनेगा और पांच दो बार, इसको भी पांच दो बार सीधा सीधा बन जाने, इसके भी पेयर्स यही बन जाएंगे, पांच में से दो माइनस करेंगे तो तीन आ जाता है, तो ये पेयर्स बन के हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट ये बन गया, टू एक्स प्लस फाइव वाई एक्स माइनस वाई, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन्स होंगी। तो उसके साथ जब हमने कंपेयर करना है इक्वेशन के साथ, ए की वैल्यू टू, टू एच की वैल्यू थ्री और बी की वैल्यू माइनस फाइव, उसमें पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमारे पास जो है आंसर वो बन गया सेवन ओवर थ्री। तो उधर से अब इधर से ये देखो, इधर आ रहा था माइनस, यहाँ से थोड़ा सा इसने ना किया है, एक मिनट, यहाँ था हमारे पास टेन थीटा इक्वल टू माइनस सेवन ओवर थ्री। अब उसने क्या किया है, अब उसने क्या किया है, उसने किया है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन उसने पॉजिटिव बना लिया। अगर आप वैसे भी कर लो कैलकुलेटर पे, वैसे भी देख लो, फिर भी आंसर यही आएगा, कैलकुलेटर पे करके देखोगे ना, माइनस को माइनस सेवन ओवर थ्री का टेन इनवर्स जब लोगे तो तब भी उसका आंसर यही आएगा। अगर नहीं करना तो ये फर्स्ट ईयर वाला वो जो लॉ है कि टेन 180, टेन अपनी को रेशियो में 180 है, जब 90 का डबल हो, 90 का डबल या फोर गुना हो तो वो अपनी को रेशियो में चेंज नहीं होता, टेन को टेंजेंट में चेंज नहीं होता, टेन टेन में रहेगा। तो टेन 180 माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन, चौथे में, पहले में, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका माइनस ये वाला आ गया। तो इस तरीके से इसने ये सॉल्व किया कि माइनस टेन थीटा इसको इक्वल टू रख लिया, टेन 180 माइनस थीटा, तो टेन दूसरी तरफ जाके टेन इनवर्स बन जाएगा, उसका कोई ना कोई आंसर आएगा, थीटा एक तरफ आ जाएगा और एंगल दोनों एक तरफ जाके माइनस हो जाएंगे और रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अगर ये तो है कैलकुलेटर के बगैर आप कर सकते हैं, लेकिन इधर भी कैलकुलेटर तो यूज करना ही पड़ेगा आपको, तो इधर कैलकुलेटर यूज करना ही पड़ेगा आपको, तो इधर से हमारे पास इसका रिक्वायर्ड जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। अली क्या हुआ था, सर वो नेट प्रॉब्लम था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब उसने ना थोड़े से वो देने शुरू कर दिए, अब वो वाले क्वेश्चन जिसमें हमारे पास वैल्यूज ये वाली आ रही हैं। अब ये देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं ये वाले, अब आपको पता है इसमें तो आप कर ही नहीं सकते, इसके फैक्टर तो बना ही नहीं सकते। अगर तो हमारे पास थ्रू आउट ये हमारे पास होता है ना फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक में, वो जैसे आपने एक्सरसाइज 14.1 उसकी थी 14 चैप्टर की, उसमें वो देता था सीकंट स्केयर, उसमें आप वो फार्मूला लगाते थे सीकंट स्केयर अल्फा प्लस सीकंट अल्फा या टू सीकंट अल्फा प्लस वन, इसमें आप वो फार्मूला लगा सकते थे, क्वाड्रेटिक फार्मूला या इसके फैक्टराइजेशन कर सकते थे। अब इसमें देखें हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, अब सीकंट दे दिया है, या तो इसकी जगह हमारे पास कोई वैल्यू होती ना, जैसे ये टू होता अकेला तो हम इसको वही फार्मूला लगा के हम सॉल्व कर सकते थे। अब इसमें थोड़ा सा उसने क्या किया, अब जो हमने स्टार्टिंग में फार्मूला नहीं जब बनाया था उसमें हमने क्या किया था,
अब इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, ये देखो ये कंपलसरी नहीं है, ये वाला जो स्टेप इसने किया है ना, ये कंपलसरी नहीं है कि वाई स्क्वेयर से इसने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। वाई स्क्वेयर इधर कांस्टेंट बिहेव कर सकता है, लेकिन वो फिर इधर जाके परेशानी बननी थी। ये फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, ये वो वाला फार्मूला है। तो इसने अब ये वाई स्क्वेयर खत्म कर दिया, क्यों खत्म किया ये देखें। अब ये सारे का सारा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, ये बन गया इसमें, ये बन गया हमारे पास, सपोज करो इसको एक्स स्क्वेयर पूरे को माइनस टू सीकेंट ऑफ अल्फा, ये सारे का सारा फिर क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वन। अब ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, किस फॉर्म में, एक्स वेरिएबल में। अब इसमें उसने क्या कर दिया, अब इसमें एक्स भी था और वाई भी था, तो इधर से हमारे पास सारे के सारे वेरिएबल्स खत्म हो गए। अब ये देखिए इधर से बन गया एक्स ओवर वाई का होल का स्क्वेयर, ऐसे ही बनता है एक्स का होल स्क्वेयर, इसमें बन गया एक्स वाई, एक एक्स आता है उसमें, तो इधर एंड पे क्या आता है, कॉन्स्टेंट आता है, वो कॉन्स्टेंट टर्म बन गई। अब ए की वैल्यू हमारे पास इधर क्या आ रही है, वन, ये लिखी हुई है। ए की वैल्यू इसके साथ क्या आ रही है, वन। बी की वैल्यू इसके साथ क्या आ रही है, माइनस टू साइन अल्फा। और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, वन। ये वाला आपको बताया ना, जिसके फैक्टर ना बने वो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला मौजूद है। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी नहीं लगाना तो आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वेयर है, तो वो कंप्लीटिंग स्क्वेयर फैक्टर बेसिकली इसके बनाने थे ना, हमने लीनियर फैक्टर बनाने थे, लीनियर इक्वेशन बनाने थे इसके, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमने प्रीवियस में बनाई थी फैक्टर बना के, तो इसमें हमारे पास फैक्टर नहीं बने। तो इसको हमने जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद सॉल्व किया, तो एट द एंड हमारे पास ये वाली टर्म बन गई। तो ये वाली टर्म बन गई, इसमें एक दफा पॉजिटिव आंसर होगा, एक दफा नेगेटिव आंसर होगा, ये आ गया। उसने उसको टेन को और सीकंड को चेंज कर लिया साइन और कॉस में, साइन और कॉस में चेंज करने के बाद ये हमारे पास आ गया एक आंसर, और एक आंसर माइनस में आ गया। तो इधर से वाई दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई फिर इधर आके सारे के सारा पोर्शन माइनस में हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस ये भी इधर भी यही किया कि वाई उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, कॉस इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये वाला पोर्शन सारे का सारा इधर आके माइनस हो गया। ये दो लाइन थी रिक्वायर्ड लाइन, यहाँ तक तो काम फैक्टर बन गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमने ये करना है, नेक्स्ट हमने करना है कि इसमें एंगल फाइंड आउट करना है, वही फार्मूला, ए की वैल्यू जो जनरल इक्वेशन थी उसमें, जो जनरल इक्वेशन आ रही है वो जनरल इक्वेशन हमारे पास आ रही थी, जनरल इक्वेशन एक आ रही थी हमारे पास, सॉरी ये ए नहीं है, एक्स स्क्वेयर माइनस टू सीकेंड अल्फा एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वेयर, ये थी। उसमें ए की वैल्यू क्या आ रही थी, वन, ये आ गई। टू एच की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस टू सीकेंड अल्फा, वो उसकी वैल्यू ये आ गई। और हमारे पास बी की वैल्यू, उसकी भी वैल्यू क्या आ रही थी, वन, वो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, वन बी, वन बी नहीं आनी इधर, वन ही आना। तो इधर से एच की वैल्यू हमारे पास टू, टू से कैंसिल हो गया, माइनस सीकेंड अल्फा आ गया। तो इसमें जब पुट करेंगे, पुट करने के बाद ये बन गया सीकेंड स्केयर अल्फा, आपको पता है ए वन प्लस टेन स्केयर अल्फा इक्वल टू किसके होता है, सीकेंड स्केयर अल्फा के। तो इधर हमारे पास क्या है, सीकेंड स्केयर अल्फा, तो सीकेंड स्केयर अल्फा माइनस वन, ये वाला वन उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू टेन स्केयर, तो इसकी जगह हमने ये लगा दिया, टू टू से कैंसिल हो गया, तो इसकी जगह आ गया टेन, टेन टेन से कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी टेन टेन से कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू किसके आ गया, अल्फा के बराबर आ गया। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। मतलब इसमें जस्ट आपने पहले में फैक्टर बनाने हैं और दूसरे में ये फार्मूला अप्लाई कर देना है, टेन थीटा इक्वल टू एच स्क्वेयर माइनस ए बी का अंडर रूट ओवर ए प्लस बी। नेक्स्ट अली, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, फिर वही है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन।
तो ये आगे जी हमारे पास क्वेश्चन उसने दे दिए। अब ये क्वेश्चन है, अब आपको पता है कि फार्मूला आपने अभी प्रीवियस में इसके जब फैक्टर बनाए थे, वन जो इनिशियल क्वेश्चन थी उसके फैक्टर जब बनाए थे आपके पास एक आया था एम वन एम टू एक्स के साथ था, एक्स स्क्वेयर के साथ था, और दरमियान में माइनस था एम वन प्लस एम टू, और इधर था हमारे पास एक्स और वाई, और साथ एंड पे वाई स्क्वेयर था। अब ये देखें एम वन प्लस एम टू ये हमारे पास बन जाएगा माइनस टू एच ओवर बी। अब एच की वैल्यू इसमें क्या आ रही है, एच की वैल्यू इसमें क्या आएगी हमारे पास, इधर से निकालते हैं जब इसको जनरल इक्वेशन के बराबर रखते हैं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई वन, टू एच की वैल्यू इधर से क्या बनेगी माइनस टू टेन अल्फा, टू से टू कैंसिल हो गया टेन अल्फा आ गई वैल्यू, माइनस टेन अल्फा आ गई। और इधर से हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ रही है, वो भी वन माइनस वन आ रही है क्योंकि इधर माइनस है जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो, ये बल्कि ये लिखी हुई है ये सारी की सारी ये लिखी हुई है, ए की वैल्यू वन बी की वैल्यू माइनस टू टेन अल्फा, सी एच की वैल्यू यहाँ से हमारे पास टू टू से कैंसिल हो गया, एच की वैल्यू माइनस टेन अल्फा बी की वैल्यू माइनस वन। एम वन प्लस एम टू हमारे पास किसके बराबर था, माइनस टू एच ओवर बी, उसमें एच की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट की तो हमारे पास किसके बराबर आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई। इसी तरह जब हमारे पास दूसरा देखेंगे एम वन एम वन इंटू एम टू, तो ये हमारे पास ए ओवर बी के बराबर था, तो ए की वैल्यू हमारे पास वन है बी की वैल्यू माइनस वन है, तो इधर से आ गया हमारे पास माइनस वन। तो ऊपर उसने इस क्वेश्चन में बोला है परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर होगा तो दोनों हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे ना, जब हमारे पास ये वाली लाइन जो है ये वाले जो स्लोप्स हैं हमारे पास जब परपेंडिकुलर हो तो ये दोनों की दोनों स्लोप्स आपस में क्या हो जाती हैं, और जब पासिंग थ्रू ओरिजिन करती हैं यहाँ से ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमने देख सॉरी वो वाली देखनी है फॉर्म, ये वाली वाई माइनस पॉइंट स्लोप फॉर्म, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। उसने बोला है कि ये परपेंडिकुलर भी है और ओरिजिन में से गुजर रही है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, जब ओरिजिन में से गुजरेंगी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अगर हम एम वन कहते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास वन ओवर एम वन माइनस में, ये उसकी स्लोप बन जाएगी, और पॉइंट इसके ओरिजिन से क्या बनेंगे जीरो जीरो, इसकी जगह भी जीरो पुट किया वाई रह गया, इसकी जगह हमने पुट किया माइनस वन ओवर एम वन, और इसकी जगह भी जीरो पुट किया तो ये हमारे पास अकेला रह गया एक्स। तो ये देखो वाई इक्वल टू सही आ रही सर। y इक्वल टू माइनस वन ओवर एम वन एक्स। हेलो आ रही आवाज, आवाज कट रही थी आपकी। कट कर रही।